हाय फ्रेंड, मैं कविता पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना बहुत आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी रेसिपी के लिए मैंने एक पैन को चढ़ा दिया है। मेरा पैन गर्म हो गया है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। मैंने थोड़ा सा पीनट लिया हुआ है, इसे रोस्ट कर लूंगी। पीनट को रोस्ट करके निकाल लूंगी। पीनट रोस्ट हो गया है तो मैं इसे निकाल लूंगी। पीनट्स मैंने निकाल लिया है। अब इसी पैन में मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सरसों। मैंने 4 ग्रीन चिली को इस तरह से कट कर लिया है। ग्रीन चिली डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने करी पत्ता लिया हुआ है, ये भी डाल दूंगी। एक प्याज मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, इसे ऐड कर दूंगी। हल्का सा प्याज को सौते कर लूंगी। प्याज को मैंने एक दो मिनट ही सौते किया हुआ है। अब मैं इसमें सब्जियां डाल दूंगी, तो आप अपने पसंद की सब्जी इसमें ले सकते हो। मैंने एक कैरेट लिया हुआ है, छोटा सा बारीक चॉप किया हुआ है। एक आलू मैंने लिया हुआ है, एक गोभी मैंने लिया हुआ है। इन सभी को डाल दूंगी। सभी को सॉफ्ट होने तक फ्राई करूंगी। इसी में मैं डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अभी हल्का ही नमक डाल रही हूँ, क्योंकि बाद में पोहा के साथ और नमक डालूंगी। बाद में थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। मिक्स कर दूंगी। लो फ्लेम में अभी ढककर इसे कुक करूंगी ताकि सब्जियां सारी सॉफ्ट हो जाए। लिड लगा दूंगी। मैंने सब्जी को ढक ढक कर लो फ्लेम में कुक किया है 10 से 15 मिनट तक। तो मेरा सब्जी बिल्कुल अभी सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। मैंने पोहा को स्टेनर में इस तरह से वॉश करके रख लिया है ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। मैं इसे डाल दूंगी। सब्जी के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला था, तो पोहा डालने के बाद थोड़ा सा और सॉल्ट में डालूंगी, हल्का सा। मिक्स कर दूंगी अच्छे से। आप अपने घर में किस तरह से पोहा बनाते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
पोहा डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट तक फ्राई की हूँ। मैंने एक लेमन का जूस निकाल करके रखा हुआ है, इसे डाल दूंगी। पीनट जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था ये डाल दूंगी। थोड़ा सा कोरिएंडर डालूंगी, इसे मिक्स कर दूंगी। ऑलमोस्ट पोहा मेरा बनकर रेडी हो गया है। मैं इसे चूड़ा पुलाव बोलती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, अब इसकी प्लेटिंग कर लूँगी। मैंने इसे प्लेटिंग कर दिया है, तो इसे गार्निश कर देती हूँ। थोड़ा सा सेव मैंने लिया हुआ है, इसे स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़ा सा प्याज डालूँगी। कोरिएंडर डालूंगी। तो ये मेरा बिल्कुल गर्मा गर्म पोहा बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और बहुत ही चटपटा बनकर के रेडी हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे किस तरह से पोहा बनाते हो। एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई करें इस तरह से पोहा, और कमेंट में बताइएगा कैसा बना आपका। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कितने खिले खिले पोहा बनकर रेडी हुए हैं। फ्रेंड, मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।